तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। कितनी बड़ी आयरनी है कि फ्री फायर वाले अपनी हर पोस्ट में टैग यूज करते हैं इंडिया का बीआर और उनका गेम इंडिया में है ही नहीं। ले, सुना क्या, ये भी मेरी गलती है। गलती से याद आया कि कौन कौन अपनी फ्री फायर में आने की गलती को सुधार के बीजीएमआई में जाने वाला है। जरा अपने प्लान्स बताओ, उसी हिसाब से हम भी प्लान बनाए। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है बीजीएमआई के बारे में। तो क्राफ्टन की मेहनत का फल मिल चुका है। मिट्टी के मिनिस्टर ऑफ स्टेट राजीव चंद्रशेखर जी ने खुद ट्वीट करके बताया कि अभी 3 मंथ्स का ट्रायल अप्रूवल मिला है क्राफ्टन को। उन्हें 3 महीने में सर्वर लोकेशन, डाटा सिक्योरिटी और गेम एडिक्शन पे काम करना होगा। 3 महीने बाद फाइनल डिसीजन लिया जाएगा, लेकिन शायद क्राफ्टन 3 महीने में सब चेंजेस करी लेगी और मोस्ट प्रोबेबली दोबारा ब्लॉक नहीं होगा। काश फ्री फायर के लिए भी ऐसा ट्वीट आता, लेकिन उन्हें डायमंड बेचने से फुर्सत मिले तब और काम में ध्यान लगाएं। नेक्स्ट अपडेट है बाला भाई की तरफ से। तो उन्हें उम्मीद है कि अगर गरीना मेहनत करेगी तो FF भी जल्दी वापस आ जाएगा। तो ये स्क्रीन सी किसी ने क्राफ्टन की न्यू पोस्ट देखी? हाँ यार, बट कोई ना, BGMI आई है तो कोई ना, अपने भी चांसेस है, बहुत जल्द गेम आ जाएगी। दुखी मत हो, अच्छी बात है, उन सभी के लिए अच्छी बात है। तो कोई ना, नेक्स्ट मंथ अपनी भी पोस्ट आ सकती है अगर अपने वाले मेहनत करेंगे तो। गेम भी आ रहा है अब, FF का क्या सीन है पता नहीं। मित्रों कब आएगा गेम, कब होगा, हम कब हम खुशी होंगे। अलग न्यू अपडेट्स आ रहे हैं। हाँ यार, बीजेपी का तो आए, लेकिन फ्री फायर का अभी तक कोई अपडेट ऐसा कुछ नहीं आया है हमें एडमिन के थ्रू। वो भी है बस वाला भाई, नहीं देखो बीजेपी आई ना, विदिन 2 महीने के अंदर मेरे हिसाब से गेम आ सकती है, क्योंकि जो जो बीजेपी वालों ने यूज़ किए उसकी, या फिर कुछ कुछ नई नई मतलब उन लोगों ने अपडेट किया है, कोई कंपनी उन लोगों ने हटाई है, कोई कंपनी उन लोगों ने ऐड की है, उस हिसाब से फ्री फायर भी उसको उनको देख के इजीली कॉपी करके गेम ला सकते हैं। मेरे जिस हिसाब से विदिन 2 मंथ आ जाने चाहिए अब तो गेम। अब भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गैस द वॉइस। कल की आवाज़ थी रोकी भाई की, अब आज की आवाज़ गैस करो। तो के भी रूप बदलते हैं। अगली अपडेट है पहाड़ी के बारे में। तो पहाड़ी की स्टोरी देख के लगता है कि वो तो कम्प्लीटली शिफ्ट हो रहा है BGMI में और शायद KDB हो जाए। अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है GK चेक। कल ये आंसर आया था, चलो आज बताओ एरिया के हिसाब से बड़ी स्टेट कौन सी है। अगली अपडेट है इनसेन की तरफ से। तो इनसेन ने बताया है कि गेम आने के बाद क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं। भाई इनकी दो स्किल लगी है पूरे में, EP और वो उनको गेम वापस आने वाली है भाई, वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। बाकी बाकी दो का है अकॉर्डिंग टू सोर्सेस, वो भाई ग्राइंड करने वाले हैं भाई। न्यू अपडेट में सिर्फ 2 करेक्टर ले पाएंगे ऐसा है कुछ? नहीं नहीं, अपडेट न्यू अपडेट में मतलब पूरा खत्म हो जाएगा करेक्टर। क्या खत्म हो जाएगा, समझ रहे हैं? पूरा गेम जब वापस आएगा, ऑफिशियल आएगा ना उसमें, तो उसमें पूरा मतलब स्किल भी लेते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और तो वो धीमे धीमे सारी स्किल हटा देंगे धीमे धीमे। अच्छा अच्छा, और बस भाई यार अपडेट बहुत है एक्चुअली। गेम में वाला अकॉर्डिंग टू सोर्सेस जल्द ही सून सून मतलब कुछ ही टाइम आएगा यार, जैसे BGMI आ जाएगा ना तभी भाई थोड़े से टाइम बाद वो भी आ जाएगा, समझ रहे। नेक्स्ट अपडेट है ओरा की तरफ से। तो सबकी तरह ओरा का भी मानना है कि अब शायद गरीना ज्यादा मेहनत करेगी गेम लाने की। बात करते हैं थोड़ा सा फ्री फायर के बारे में। अभी मेरे को आज ही सुनने को मिला, मेरे को किसी ने बताया कि फ्री फायर भी बहुत स्ट्रॉन्ग कमबैक का तैयारी कर रहा है। और ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि यार देखो, मैं बात बार बार नहीं करना चाहता क्योंकि कई सारे लोग फिर कमेंट में आके बोलते कि ना यार तू फिर दोबारा से फॉल्स होप देने लगा। देखो मैं कोई होप नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक गेम खुद कुछ नहीं कहती, जब तक पब्लिशर खुद कुछ नहीं कहता, जब तक डेवलपर कुछ नहीं कहता, तब तक मैं कोई होप देना ही नहीं चाहता हूँ। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाई कोई होप नहीं है मुझे गरीना फ्री फायर से इतनी खास। बट हाँ, आज मुझे एक छोटी सी न्यूज़ सुनने को मिली कि हाँ फ्री फायर भी स्ट्रॉन्ग कमबैक देने का ट्राई कर रहा है। और ये बात मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले भी बताई थी कि अगर BGMI अनबैन होगा तो उसके कुछ टाइम के अंदर अंदर फ्री फायर अनबैन करने का पूरा ट्राई करेगा, पूरा
फोकस करेगा। बट एक चीज है कि भाई देखो बीजीएमआई जब बैन हुआ तो उन्होंने साफ एड्रेस किया इस इशू को, इस कंसर्न को कि वो बैन हो चुके हैं, उनको इंडिया से टाटा बाय बाय कर दिया गया है। बट फ्री फायर ने अभी तो कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी क्लियरिटी नहीं दी, ना कोई बात करी है। जब तक आप मानोगे नहीं कि भैया इशू क्या है, तब तक आप उसको सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, मतलब निकाल भी रहे हो तो अपनी साइड से निकालोगे, हमें तो कुछ पता नहीं है। तो स्टिल आई एम नॉट श्योर, बट हाँ काफी सारे लोग अभी भी कह रहे हैं कि हाँ मुझे बैकग्राउंड में आज भी सुनने को मिला कि फ्री फायर भी स्ट्रॉन्ग कमबैक देने का ट्राई कर रहा है, देखते हैं कि क्या निकल क्या आता है, बट अभी भी मैं श्योर नहीं हूं। और अगली अपडेट है वाइपर की तरफ से, तो उन्होंने बताया कि प्लेयर्स की सैलरी कितनी होगी अभी के टाइम पे। गेम के प्लेयर्स की सैलरी कितनी होगी अप्रॉक्स बता दो अभी के टाइम पे। आई नो द अमाउंट बट आई डोंट थिंक सो आई शुड रिवील इट, बट 20 से 70,000 के बीच में एक नंबर है, वो तुम्हारे ऊपर है, मैंने बता दिया तुम करो। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही, चलो हम मिलेगा शानदार वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।